गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। सुबह के 10 बज गए हैं और अभी जाके हल्की सी धूप आई है। बहुत ज़्यादा धुंध पड़ी हुई थी आज, पीछे काम चल रहा है, हवा आ जा रही है। और सौरिश बैठ गया अभी ब्लैंकेट लेके, आज जल्दी उठ गया था और बैठा हुआ टीवी देखने के लिए। सौरिश के पापा ने नाश्ता किया, वो अभी जा चुके हैं काम के लिए। अभी सौरिश के लिए नाश्ता बन रहा है, ये देखिए ये नीचे कंबल लेके बैठ जाता है और मैं चलती हूँ नाश्ता बना लेती हूँ। लेकिन उससे पहले मुझे कबूतरों को दाना डालना, तो मैं टेरिस पे जाती हूँ फिर बनाती हूँ सौरिश के लिए खाना। तो इधर से आवाजें आ रही है, इधर काम चल रहा है। दूर दूर अभी भी धुंध है, देखिए बस पास से हट गई अभी, वो पहाड़ी बिल्कुल भी दिख नहीं रही। बहुत ही अच्छी लग रही है सुबह सुबह की धूप, लेकिन काम बहुत ज़्यादा नीचे। पहले काम खत्म कर लेते हैं फिर आते हैं टेरिस पे। तो सौरिश वेट कर रहा है खाना खाने का, तो गोभी के पराठे सौरिश के लिए बना रही हूँ। पहले वो स्कूटी लेके चले गए थे, अब फिर से कहीं काम आया होगा तो गाड़ी लेने आए हैं। गेट बंद कर देती हूँ। गाड़ी पे काफ़ी डस्ट पड़ा हुआ था तो फिर इन्हें साफ़ करना पड़ी, फिर कुछ दिखेगा नहीं आगे। वैसे भी धुंध पड़ रही है आजकल, तो वहाँ पे इनका कहना था कि अमरूद पके हुए हैं वो तोड़ लेना वरना कोई पंछी खा लेगा। ये देखिए कितना मोटा सा है, ये 2-3 पके हैं। बस अभी कुछ देर ही धूप रहेगी, फिर बहुत जल्दी से धुंध पड़ना स्टार्ट हो जाती है। और मैंने ब्लैंकेट धूप में रखा कि 1-2 घंटे ही रहेगा। तो चलती हूँ अभी, गेट कर लेती हूँ बंद। ये तो जा चुकी है अभी। दोपहर का टाइम, और सौरिश को कह रही हूँ टीवी बंद करो क्योंकि हमारे अमरूद पे बहुत अच्छे से अमरूद पके हैं, तो फिर कोई ना कोई पंछी वगैरह सारे खा जाता है। तो इसको कह रही हूँ कि तोड़ के ले आते हैं, तो थोड़ा ऊपर है, मैंने बोला आप चढ़ना उसके ऊपर और मेरी बात नहीं सुन रहा। सौरिश सॉरी, चलो आओ आके देख लेना बेटा प्लीज। स्टैंड लेके आओ, लेके स्टैंड को। ओ गिलहरी गिलहरी, इधर कंबल कंबल के अंदर चली गई, कंबल ही ना खा जाए हमारा। ओ गिलहरी है, इसके अंदर चली गई है, ये बहुत खराब। आ गई, थैंक गॉड, ये आ गई, चली गई। चलो चलो लगाओ आप, मजा ले रही है, वो चली गई। क्या कर रही है, ऊपर जाएगी ये, आजा नीचे, जाने दो उसको। चली गई 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 इधर भी हो, इधर आ गई। हो देख बड़ी खराब है, कहाँ है अमरूद, कहाँ बताऊँ। वो देखो वो कितना मोटा वाला, एक मिनट मैं दिखाती हूँ। कल सुबह पापा जा रहे थे ना, तब पापा वो बहुत मोटा है वो वाला, ऐसे दिख रहा है वो पक्का है। ध्यान से थोड़ा पास कर लेना इसको, गिर जाएगा। ध्यान से ये वो देख मोटा वाला, ध्यान से दोनों हाथों से, तेरे हाथ के पास ये? नहीं ऊपर, हाँ दोनों हाथों से ये वाले। Thank you.
अगर हम इन्हें नहीं तोड़ते तो पंछी खा लेता। अभी 2 दिन रखेंगे फिर एकदम से ये पक जाएगा। अभी भी पक्का वैसे, लेकिन थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा फिर। तो ये सॉरी श्री, इतने मोटे मोटे से तोड़ लिए। वो वाले अमरूद रख दिए 2-3 दिन बाद, वो बहुत ही अच्छे सॉफ्ट हो जाएंगे इसकी तरह। ये भी मैंने 3 दिन पहले रखा था, ये देखिए कितना सॉफ्ट हो गया। अभी ये अभी सोरिश को काट के देती हूँ। खाओगे? मैं भी खाऊंगी। एप्पल ले जाना। एप्पल साथ में एप्पल भी खाना? अच्छा, पर ठंडा वाला नहीं खाना, फ्रिज में लगा हुआ नहीं। अभी अग्रिम भी आ गया सोरिश के पास। अभी इन दोनों का प्लान बन रहा है पतंगे उड़ाने का। अभी 3 बजे का टाइम हो गया, मैं छत पे आई हूँ और ये देखिए सोरिश भी आ गया। इसने ले लिया पतंग और उधर ले लिया अग्रिम ने, क्योंकि अभी कहाँ गया अग्रिम, वो है। अभी हवा चल पड़ी है ना, तो कह रहे हैं कि अभी पतंग ज़्यादा उड़ती है और ठंडी भी बहुत है। और मैं आई थी यहाँ पे धनिया और जो टमाटर है, सोचा पानी दे दूँ इनको, तो वही देने आई थी। साथ ही साथ मैं थोड़ा मसाला वगैरह लाई थी कि रात के लिए सब्जी के लिए, वो इधर बैठ के बना लेती हूँ, पहले पानी दे लेते हैं इनको। थोर आ गया प्याला से। थोर कह रहा है कि मैं इस साइड आ जाऊं। तो ये छोटा सा हमने ये टूटा हुआ टेबल वही लगा दिया हुआ इधर, और थोर को समझ नहीं आता कि इसको पीछे हटा के मैं जंप करके भी आ सकता हूँ। ये बहुत शरीफ सा, अगर ये लगा दो तो कभी भी इधर नहीं आता, फिर ऐसे देखता रहता है। तो अभी बहुत ज़्यादा धुंधे पड़ने वाली हैं, और ये पहले पहले पक जाते तो ठीक था, क्योंकि अभी धूप नहीं आएगी तो ये पकेंगे भी नहीं और ख़राब हो जाएंगे। इसलिए इसके ऊपर वो लकड़ियों की राख है वो भी फेंक देते हैं। और ये देखिए धनिया, ये भी बहुत अच्छे से उग गया इधर भी। अभी धुंध पड़ना स्टार्ट हो गई है, बहुत ज़्यादा सर्दी हो गई है। और जहाँ पे अंकल जी के लिए आग जलाई हुई है, और अंकल जी हाथ सेक रहे हैं और मैं भी बैठ गई हूँ इधर ही आके। अभी हो गया अंधेरा और मैं बना रही थी खाना। अब चलते हैं सोरिश के पास, और इसने देखिए स्वेटर उतार दी हुई है, तो वही इसको मैं बोल रही हूँ कि स्वेटर या जैकेट पहन लो, सर्दी बहुत ज़्यादा। हाथों में ग्लव्स पहने हैं लेकिन स्वेटर नहीं पहनी। इन्होंने लगाई हुई है बाहर मूवी, और सोरिश लगा अपना कुछ काम करने, और मैं अभी फ्री हूँ। अभी मैं देखूंगी फोन कुछ देर। मैं पहले आपको बाहर का मौसम दिखाती हूँ। अभी खाना वगैरह खा के हम फ्री हैं, और ये देखिए धुंध, ये लाइट की वजह से थोड़ा सा दिख रहा है, बाकी तो सब अंधेरा है। और इनको देखिए कैसे झूले ले रहा है, फिर ये चेयर स्लिप हो जाती है फिर गिरता नीचे। इन्होंने तो खुद ही ले लिया दूध हल्दी डाल के, अब सोरिश को दे देते हैं। इसको भी आज हल्दी डाल के देती हूँ दूध। तो सोरिश का दूध हो गया तैयार, इधर आके पी लो। चलो चलो अभी सोना भी है, ठीक है आ जाओ। ये लो, तो बाहर बहुत ज़्यादा धुंध पड़ गई है और टाइम हो गया 11 बज गया है, सोरिश आ गया अभी, ज़बरदस्ती इसको लेके आई हूँ अभी। तो ये व्लॉग हम यही ख़त्म करते हैं, मिलते हैं एक और नई व्लॉग के साथ। गुड नाइट।